और तू अपने माँ बाप और गांव पे आ रहा है। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। क्या यार, पहली बार दोस्त से बाइक मांग के लाया था, आज ही नुकसान हो गया, आज के बाद वो बाइक भी नहीं देगा मुझे। क्या यार, तुम्हारे साथ ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे क्या? पूरी लाइफ में तुम एक बाइक नहीं खरीद सकते। अरे मेरी जान, तू टेंशन क्यों लेती है? एक बार जमीन का मुआवजा मिल जाने दे तो बाइक की बात करती, तुझे मैं एरोप्लेन से घुमाऊंगा। बस बस बस, तुम एक बाइक खरीद लो खुद के लिए, वही बहुत है। अच्छा ठीक है बाबा, बाइक पे बैठो, चलते हैं, अब मैं चलाऊंगा। बस देखने का मेरी नजरें न देखे किसी और को, बस तेरी बात को। अरे वाह यार, ये तो बहुत मस्त जगह लगी मुझे। आज तक लोगों से मैंने सिर्फ जिम के बारे में सुना था, आज देख भी लिया। रोहित, मुझे वैसी बॉडी बहुत पसंद है, तो तुम आज से रेगुलर मेरे साथ जिम आओगे और वर्कआउट करोगे। ये क्या है, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है इसके पेट में पोलियो हो गया, और इसको देख के तो ऐसा लग रहा है बाबा सिर का मरीज है। इससे अच्छी बॉडी ना हमारे खेत में काम करने वाले किसानों की होती है। बुद्धू, उसे सिक्स पैक कहते हैं। इधर चलो मेरे साथ वर्कआउट करो। हेलो मेरी जान, कैसे हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं रात में सो भी नहीं पाई। चलो ठीक है, मिलते हैं कल उसी जगह। हाँ हाँ, कर ले बात, आ जा इधर बैठ। यार तुम्हें जरा सा भी शक नहीं हुआ? क्या बताऊं यार, तेरे ऊपर भरोसा जो इतना है। अब क्या हुआ पागल, तू इतनी सैड क्यों है? यार रोहित, हम दोनों भैया से कब तक चुप चुप के मिलते रहेंगे? तुम शादी के लिए क्यों नहीं बात करते हो भैया से? यार सोच तो मैं भी रहा हूँ कि तुम्हारे भैया से बात कर लूँ, लेकिन क्या वो मेरी बात मानेंगे? हाँ क्यों नहीं मानेंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आज तक उन्होंने मेरी सारी बात मानी है, और हम दोनों की शादी के लिए भी मान जाएंगे। यार ये तो बहुत अच्छी बात है। यार लगता है तुम्हारे भाई के दोस्त ने हम दोनों को साथ में देख लिया। यार वो मेरे से पहले मेरे भैया को बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सलोनी, ये तेरे भाई को जाके बताए, उससे पहले तू जाके उसे बता दे।
भैया भैया वो मैं मैंने इस दिन के लिए तुझे इतनी आजादी दे रखी थी ताकि उस गांव के देसी गवार के साथ तू नैन मटका कर सके। भैया वो देसी जरूर है लेकिन गवार नहीं। भैया हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भैया रोहित बहुत अच्छा लड़का है। अपना मुंह बंद कर नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरी बहन है। उस देसी गवार की इतनी हिम्मत, उसने मेरी इकलौती बहन पे गंदी नजर डाली, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आदर्श थोड़ा दिमाग से काम लो, बरसात के हो जाने से नाली के कीड़े अपने आप को गंगा नहाए हुए समझते हैं। और हाँ, इन्हें कुछ कहने का मतलब कि कीचड़ में पत्थर मारना, इन्हें तो अपने पंटर लोग ही देख लेंगे। आधे 3-4 लोग को लेके जाओ, वो बचना नहीं चाहिए, किसी भी हाल में जिंदा नहीं बचना चाहिए। क्यों बे फाले, रोहित तेरा ही नाम है? हाँ जी मेरा ही नाम है, बताइए क्या काम है? तुझे पता है हम कौन है? इस एरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के आदमी है, और शायद तूने जानता नहीं है, इसे तूने इनकी छोटी बहन को फंसाने की कोशिश की है। जूते रगड़ के बनाई गई पहचान और जूते चाट के बनाई गई पहचान, दोनों में बहुत फर्क होता है। क्यों बे साले, बहुत अकड़ है तेरे अंदर, अभी 5 मिनट नहीं लगेगा तेरी फाड़ी अकड़ निकालने में। जिस अकड़ की तुम बात कर रहे हो ना बेटा, वो अकड़ हम देशियों को पैदाइशी मिलती है, और इस अकड़ को तोड़ने के लिए 5 मिनट काफी नहीं है। बहुत बोला साला। काम तो नहीं हुआ। क्या काम करने वाले चैन के नींद सो रहे हैं? मुझे तो मैं देख लूंगा। हाँ आराम से देख लेना, आखिर मैं तुम्हारा जीजा ही हूँ। अरे तोता रे, सालों ने बहुत मिलके मारा है। धन्नो स्टार्ट हो जा ये भी। अरे बाप रे बाप, स्टार्ट हो गई। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना। कब तक अपने भाई से ऐसे नाराज रहोगी? चलो रोना बंद करो और मुस्कुरा दो। मुझे नहीं मुस्कुराना। अरे बाबा, हम दोनों कल जाके रोहित से मिलेंगे, अगर वो मुझे पसंद आ गया तो मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा। आप सच कह रहे हो भैया? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, चलो मुस्कुरा दो। मुसीबत मरदा ते पैंदी रहिंदी है, तभी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी है, नाले जड़े रस्ते ते तू तुरिया, इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी। अच्छा तो तू है जो मेरी बहन को पसंद आ गया है। देख, मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन मुझे मेरी बहन की खुशियों के आगे झुकना पड़ा। अच्छा ये बता, तेरी परिवार में कौन कौन रहता है और तू रहता कहाँ है? मेरी फैमिली में मेरे माँ और पिताजी हैं, और मैं यही पास वाले गाँव में रहता हूँ। और करता क्या है तू? थोड़ी बहुत जमीन है मेरी, इसी में खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी तो तेरे माँ बाप संभाल लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, शहर में तेरे लिए एक कंपनी खुलवा देता हूँ और एक फ्लैट दिला देता हूँ। तू एक काम कर, गाँव छोड़कर शहर में शिफ्ट हो जा। देखो भाई साहब, मैं अपने माता पिता और इस जमीन को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता।
अगर तुझे मेरी बहन के साथ रहना है तो तुझे अपना सब कुछ छोड़कर शहर चलना पड़ेगा। देखो भाई साहब, मैं रिश्ता जोड़ना चाहता था, कोई सौदा करना नहीं। अब आप लोग जा सकते हैं। राम राम। तेरी औकात क्या गांव में रहने वाले देसी गंवार? मैं तुझे कहां से कहां पहुंचाना चाहता हूं, और तू अपने माँ बाप और गाँव पे अड़ा है। देखो भाई साहब, प्यार के लिए मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, लेकिन अपने माँ बाप के लिए प्यार को छोड़ सकता हूँ, समझे? चलता हूँ अब। राम राम। हाँ झुक मैं तो मेरी हाँ से, जिसकी मैं बात को एक डाण को नहीं सकता वा, और कोई को ना मेरी माँ से, मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा राम, मेरी माँ मेरा शहर, मेरी माँ। देख लिया, यही है तेरा प्यार। भैया एक बात बताओ, जब तुम अपने बहन के लिए इतना सब कुछ सोच रहे हो तो वो अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकते हैं? तो तुम उसके साथ गाँव में रह लोगी? मैं उसके साथ गाँव में क्या, झोपड़ी में भी रह लूंगी। रोहित, ये बता घर पे बात करने कब आना है?